ये बार बार यूज होंगे सब, तो नेचुरल नेचुरल नंबर का जो सेट होता है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट हमारा शुरू होता है 1 2 3 4 5, जो हम काउंटिंग सीखते हैं, दैट इज ऑल आर नेचुरल, ठीक है। अगर आई इंक्लूड जीरो इन दैट, सो इट बिकम्स होल नंबर, ओके, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप ये नंबर्स पढ़ते हो 1/2, 3/4, ठीक है। दीज, अब यहाँ पे दो कैटेगरी होती है, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, ओके। तो रेशनल हम उन नंबर्स को कहते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। व्हाट इज पी एंड क्यू? पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, ओके। पी एंड क्यू आर बिलोंग्स टू सेट आई, आई इज फॉर इंटीजर, इंटीजर मे बी पॉजिटिव इंटीजर मे बी नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। सो रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। वन कैटेगरी देखो, अब जैसे यहाँ पे आपने 1/2 देखा, सो 1/2 में आप एक चीज करोगे, अगर मैं 1/2 को फ्रैक्शन में लिखूं, सो इट बिकम 0.5, ओके। और 1/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में, अगर मैं डेसिमल में लिखूं, सो इट बिकम 0.3333, इट विल नेवर एंड, ये थ्री जो है कहीं पे एंड नहीं होगा, चलता रहेगा, है ना। सो दीज टू कैटेगरीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग, थ्री इज रिकरिंग एवरी टाइम, ठीक है। सो ये दो कैटेगरी हमारे पास रेशनल नंबर की होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा कैटेगरी होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ओके। एंड इरेशनल नंबर में आप देखोगे इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग, ये ना टर्मिनेटिंग होगा ना रिकरिंग, ठीक है। जैसे आप पाई लिखते हैं, पाई एक्चुअली क्या है, व्हाट इज पाई? कहीं कहीं हम पाई नॉन टर्मिनेटिंग, पाई को कहीं कहीं हम 22/7 लिख देते हैं, नहीं, पाई को हम कहीं कहीं 22/7 लिख देते हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 22/7, एक्चुअली इट इज, जब हम 2πr को, 2πr मींस जब हम पेरीमीटर को डिवाइड करते हैं, पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाय डायमीटर, ठीक है, या तो उसको हम पाई कहते हैं। और ये कभी भी अगर हम पैरामीटर को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो कहीं भी हम ना तो टर्मिनेटिंग होगा ये वैल्यू, और ना ही कहीं पे ये रिकरिंग वैल्यू होगा, ठीक है। तो 22/7 जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, इट इज नॉट, अगर हम इसको लिखते हैं तो 3.14 ऐसे करके आता है ना, तो ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा। सो इसीलिए हम पाई को कहते हैं इरेशनल नंबर। और जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स हैं, जैसे √3, √2, √5, सो दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हाँ बिल्कुल, ना वो टर्मिनेट होंगे कहीं पे, ना वो कहीं पे रिकर होंगे, कोई भी वैल्यू वहां पे रिपीट नहीं होगी, ठीक है। और अब जैसे ये मैंने लिखा 0.33333, सो आई कैन राइट इट लाइक 0.3 एंड बार, ओके, हम इसको रिपीट नहीं करते बार, कहाँ लिखा है ये लिखा है मैंने 0.3 बार, 0.3 बार, 3 बार मींस वी विल नॉट रिपीट इट, ठीक है। सो बार का मीनिंग ही अपने आप में ये होता है कि इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग, ओके। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, चलें आगे। ओके,
कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और बता देता हूँ आपको। कभी कभी हमारे पास नंबर इस तरह के आ जाते हैं जैसे माइनस सेवन अंडर रूट, माइनस सेवन का रूट आ गया जैसे, ठीक है। तो कभी भी जब हम माइनस का रूट करते हैं सो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ओके, जितने भी नंबर्स हमने अभी पढ़े हैं उसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे कहीं पे जीरो है। तो नेगेटिव नंबर कैन बी शोन हियर, पॉजिटिव नंबर्स कैन बी शोन हियर। जितने भी नंबर मैंने आपको बताए हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन कहते हैं। सो नंबर लाइन पे जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ओके, बेसिकली नंबर हमारे दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन बट कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन बट दे आर रिप्रेजेंटेड इन आर्गन प्लेन। ठीक है, उसको कहते हैं आर्गन प्लेन। सो हियर यू नीड टू हैव, हियर यू नीड टू हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, वो चीजें हम आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वो चीजें आगे पढ़ेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे शो करते हैं। बट अभी फिलहाल ये देख लो आप कि अभी माइनस अगर कहीं भी रूट के अंदर आ जाता है सो वी विल हैव इट लाइक ए, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और माइनस वन रूट इज रिटन एज आयोटा, माइनस वन रूट इज रिटन एज आयोटा। ठीक है, सो अगर हमें लिखना है माइनस थ्री रूट सो इट कैन बी रिटन एज थ्री आयोटा। ओके, ओके, नाउ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है थ्री प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब ये जो ए है, ए इज द रियल पार्ट, ए आपको दिख रहा है रियल पार्ट, और ये दिख रहा है आपको इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, जस्ट अ मोमेंट, सो योर दिस इज एन अर्गन प्लेन, so here it is a real number line that is x axis is your real number line and y axis you will use it as imaginary number line. So you will represent a on the x axis and b on y axis. Okay, got it. So your 3 plus 3 i you can have 1 2 3, you know how to trace point on xy plane? Yeah. Okay, so this is your 3 3, so we can represent any complex number in this Argand plane. Okay, yeah, understood this concept, any doubt in that? No. Okay. Problem, very good, चलो आगे चलते हैं। इवन ओड नंबर यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, रेशनल नंबर आई टोल्ड यू, रियल नंबर्स आई टोल्ड यू, एंड सेट ऑफ नंबर्स, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, एन एंड ए स्लाइट स्टैंडिंग लाइन विद एन, इट रिप्रेजेंट। एक्चुअली इन इंडिया ओनली वी राइट कैपिटल एन, it represents natural number. Okay, but you have to remember the symbol for natural number, and integers you have to have one line z, so it will represent integers. This is for rational and this is for
real numbers. Okay. Okay. Yeah. So real number, this concept I told you, what is terminating recurring? That is the concept. Okay. Mm-hmm. Now it's a theorem. If some number, if any of the number is written as like you have something in denominator, like 2 to the power k and 5 to the power l, and here and numerator a. So how you decide whether it's a terminating or non-terminating? If you have something either 2 or 5 in the denominator, okay, but other than that, if you are having something like you have 3, okay, it will terminate, either you will have 2 or 5 or both as a factor. Okay, जैसे हम लिखते हैं 3/10, so 3/10 का मतलब क्या है? 2 into 5, okay, कितना इसका पावर है वो मैटर नहीं करता है, 2 का पावर कितना है, 5 का पावर मैटर नहीं करता है, बट अगर 2 या 5 एक में से दोनों में से एक या दोनों अवेलेबल हैं, so वो नंबर आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे कोई और नंबर भी इसके साथ मिलता है, जैसे 2, 5 और एक मैंने लिख दिया 7, so it will not be terminating, ये terminating नहीं होगा. तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि आपको सिर्फ नंबर, बिल्कुल बिल्कुल, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे जो चीज जहां पे होनी चाहिए वहीं पे है. जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में क्या क्या होता है, बोर्ड होता है ना, और टेबल होती है, चेयर होती है. सो क्लासरूम इज ए सेट ऑफ टेबल, चेयर, बोर्ड, है ना. अब अगर मैं वहां बोलूं कि क्लासरूम इज ए सेट ऑफ टेबल, चेयर एंड कार, तो क्या लॉजिकल है कार का होना उस सेट में? नहीं है ना, नहीं है लॉजिकल. हाँ. नहीं तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स जो उसके अंदर होते हैं. ठीक है, जैसे फैमिली में बोलते हैं कि फैमिली में मम्मी पापा बच्चे जो भी हैं हमारी फैमिली के मेंबर, तो फैमिली इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटिव्स, है ना. So it is a set. Hockey team में hockey player होंगे. अगर मैं यहाँ football player रख दूँ, so it cannot be set, है ना? Hockey team में तो hockey के player रहेंगे. So list is a collection of things which we need to buy. Okay. So हाँ, तो set की formal definition क्या होती है? Set is a collection of distinct object. The objects are referred to as elements or members of the set. Okay? But they must be well-defined. Well-defined मतलब उनके बीच में कोई relation होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई relation ना हो. इसको मैं download भी कर लेता हूँ मैंने तुम्हारी book को. ठीक है. Okay. और सेट के लिए हम नोटेशन दिखाने के लिए उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. वीडियो को क्या होगा, जैसे आपने एक सेट लिखा ए, उसके अंदर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, ये एलिमेंट होते हैं सेट ए के. ओके, सो इनसे हम इसको डिनोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट में अब ये एक ये सिंबल यूज करते हैं हम, इसको कहते हैं बिलोंग, है ना. ये ग्रीक सिंबल होता है, इसको 4 बिलोंग टू ए, इसका मतलब है कि 4 जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर अवेलेबल है. ठीक है, ये नोटेशन होता है डज नॉट बिलोंग, कट कर दें तो इट सेज इट डजंट बिलोंग टू द सेट. ओके ओके,
हाँ इसको रीड आउट ऐसे करते हैं, फोर इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं. तो अभी देखो ये सब बेसिक से चल रहे हैं आपके, है ना. अभी उतावला नहीं होना है, क्योंकि इन्हीं के बाद में आपके जो ये बेसिक फाउंडेशन है उसके बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर ये दिक्कत होगी नहीं. एक होता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का मतलब है इफ द सेट इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट, ठीक है. तो उसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट. एक एग्जांपल दे सकते हैं एम्प्टी सेट का, मतलब empty set doesn't have any elements ना. Example मतलब like मुझे पता है empty set क्या है, उसमें कुछ होगा ही नहीं, मतलब empty है वो number. हाँ. कुछ है ही नहीं उसमें. हाँ. जैसे मैं एक example आपको दे दूं कि a set of natural numbers which is lesser than zero. Empty set, yeah. Empty set हो जाएगा, क्योंकि natural number का कोई भी set natural number का zero से less नहीं हो सकता है, मतलब one से शुरू ही होता है वो, है ना. हाँ. तो इस तरह के set का example हम empty set के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है. उसका symbol ये है, empty set को हम denote करते हैं phi से. Phi is also a Greek letter, ठीक है. Phi. हाँ. इसको इससे denote करते हैं, ठीक है. और हम ऐसे भी denote कर देते हैं, बिग ब्रैकेट लगा के भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ओके. बट कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा कंफ्यूज करने के लिए, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं होता है. इट इज ए सेट विच हैज फाई एज एन एलिमेंट, यहाँ पे फाई एज एन एलिमेंट, ठीक है. तो एम्प्टी सेट को हम इन दो तरीकों से डिनोट करते हैं, ओके. ये स्पेशली नोट कर लो, अगर इस तरह से हमने फाई लिखा है, सो फाई इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, बट फाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ओके. चलो, जहां मैं, अगर मैं स्पीड से तो नहीं जा रहा हूँ, जहां लगे आपको ऐसा कि मैं, ठीक है ना. ओके. सेट को नोटेशन कैसे करते हैं, सेट को नोट कर, नोटेशन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है. एक तो सिंपली हम सेट को ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, दो तरीके आप देख रहे हो यहाँ पे, एक तो इस तरीके से मैंने लिखा है ना, और एक सेट को इस तरीके से लिखा है, ठीक है. तो एक होता है सेट बिल्डर. अब आपकी बुक में पता नहीं उसको क्या कह रहे हैं, एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है. दो तरीके से हम, एक तो वर्ड फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, है ना, और एक नंबर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये एक एक एलिमेंट इसका लिखा है यहाँ पे, है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15. बट वी ऑल्सो कैन से दैट ये सब क्या है, प्राइम नंबर है. Prime numbers. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि the set of prime numbers which is lesser than next prime number कौन सा है, 23, which is lesser than 23, है ना. हम ऐसा भी लिख सकते थे कि the set of prime numbers lesser than 23. तो ये words में हो गए, है ना. बट अगर numbers में लिख रहे हैं तो हम दो तरीके से set को denote कर सकते हैं, एक number format में, word format में. जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है, A is an element of A such that, ये जो आप long ये देख रहे हो, इसको पढ़ते हैं कि A is an element of set A such that A is less than 8. ठीक है. तो 2, 3, 5, 7 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, where A is a prime number. A क्या है, प्राइम नंबर है और लेस देन 8 है. तो लेस देन 8 जितने भी प्राइम नंबर है वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है. तो ये दो मेथड है यहाँ पे सेट को डिनोट करने के लिए, क्लियर है. ओके.
अभी एक डेफिनेशन आती है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेट, ठीक है। जैसे आपने ए सेट लिखा 1 2 3 4 5 और एक बी सेट लिखा आपने 1 2 खाली 1 2 लिख दिया मैंने। सो इज ऑल द एलिमेंट ऑफ बी रिसाइडिंग इन सेट ए? Are all the element of set B is residing in set A? Yeah. So we can write that set B is a subset of A. Subset of A. Okay. Yeah. Subset का सिंबल ये है, आपको दिख रहा है इधर। अब यहाँ पे equal to भी लिखा है, equal to भी लिखा है इसके नीचे। यहाँ पे दो सिंबल हम यूज कर सकते हैं, B is a subset of A and एक ऐसा सिंबल यूज होता है। So, उसमें क्या होता है कि जितने एलिमेंट, मतलब ये इक्विवेलेंट सेट होंगे दोनों, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर रिसाइडिंग इन सेट ए, ठीक है। हाँ. इसको कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। अगर ऐसी कंडीशन होती है उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो दो तरह के सब, दो तरह की कंडीशन है। इफ इट इज ओनली रिसाइडिंग इनटू सेट ए बट इट इज नॉट इक्वल, सो इट इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट। बट इफ इट इज रिसाइडिंग एंड इक्वल टू सेट ए, सो इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, यस। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि फाई, जो फाई हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, is it a subset of set A? Is it a subset of set A? No. No, no, wait, hold on. But phi matlab phi is inside the bracket or phi just outside, like? See, phi is an empty set. So it is everywhere it is available. In every set it is available. Phi is an empty space. Okay. So, phi is always a subset of any set. ठीक है? Phi हमेशा subset होता है. ठीक है? Okay. Got it. लिख लो इसको, note कर लो कहीं। और अगर not a subset होगा तो हम यहाँ पे एक ऐसे इस तरह डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, बी एक सबसेट है हमारे पास 1 2 6, इज द सेट बी ए सबसेट ऑफ सेट ए? नो। व्हाट काइंड? इट इज सबसेट, बट व्हाट काइंड ऑफ सबसेट? No, is it a subset? I am asking you only the subset. Is it a subset of set B, set A? One set. Is it a subset of B and A and B are not the same? So there are some elements of B. No, it's not a subset because of 6. Because 6 is not available in set A, so it is not a subset of set A. Okay? Mm-hmm. So we will write it like this. Okay? Yeah. गुड, चलो ये क्या है, लेट एस वी आर सबसेट एस। ओके ओके, नाउ हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, कैन यू इमेजिन? शुडंट देयर बी अनलिमिटेड? लाइक इफ यू हैव वन नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी सबसेट आर पॉसिबल? वन। विच वन? वन, लाइक वन only one, but I told you before that phi, two actually, plus five, so so subsets will be phi as well as itself. Okay, if you have two elements, let us say 1 and 2, how many subsets are there? Still two, right? I can take phi. Huh. I can take one. I can Achha, take like, two. Yeah, then two. Then I three. Can take one and two. So how many are there? Four, got it. Four. Okay. If I have
three elements in set A. Can you tell me how many subsets are possible? Yeah, one sec. Eight, yeah. So can you imagine we have some pattern here? If we have one number of element, then we were having two subsets. Two number of elements, we were having four elements. If we have three number of elements, we were having eight. If we have four, then we will have 16. So here is a pattern. So two raised to n. Basically, 2 raised to power n. Power n. So n is the number of elements in the set. Yeah. Got my point? So if someone is asking how many number of subsets are possible, so you will answer that 2 to the power n. N is the number of elements. Okay. Yeah. So just write it down somewhere. And Isha, I don't believe in homeworks. Okay. Okay. So I'll give you each and every questions and a practice in the class itself. Okay. Okay. But it might be that some questions I'll give you after the class. But yeah, okay. Whatever will be in your book, we will cover only that portion. Okay. Now, now the concept of open and close interval. Okay, interval, you know what is the interval? I don't know. Okay, if you have a number line like this, 0, minus infinity and plus infinity. So if I am taking from 0 to 1, so I can write it like 0, 1, like this. Small bracket, 0, 1. Here is a big bracket. Okay. I can write it like this also. And I can write it like this. Both big bracket at both ends. Okay. What is the meaning of that? Its meaning is, this is an open bracket. So open bracket means 0 and 1 is not included in that interval. Okay. So we are talking about just in between the value of 0 and 1, not exactly 0 and 1. 0 and 1 are excluded here. Okay. So where we are using this small bracket, so that means that value is not included. Okay. And in the second case, you can see it is closed at 0. So that means what? 0 is included. Yeah. So this is called as open interval. Open interval means end points are not included. And these two intervals are said to be half open, or we can say half closed. Okay. Half open or half closed. Thing is the same. If we say half open, we can say half closed. Thing is the same. And in the fourth case, it is called as closed interval. Okay. So closed interval means you have to include both the points, both the end points, that is 0 and 1. Understood? Yep. So write down these four points. I wrote them down. Okay, very good. So that is the thing actually. This is closed interval AB. I will write it like this, and this is an open interval. It is half closed or half open. Okay.
and infinity we cannot have this infinity in closed interval. Okay. I am writing infinity to zero. So it will be always open from the infinity. Okay. Minus infinity or zero or infinity to one to infinity. Okay. It may be closed at one, but it will always be open through this infinity. Okay. That thing you have to remember. Okay. More on that. यूनियन यूनियन मीन्स यूनियन का मतलब क्या होता है यूनियन का मतलब है किसी चीजों को मिलाना है ना जैसे आपने सेट ए लिखा यू हैव सेट ए लाइक वन टू सेट बी यू हैव थ्री फोर एंड वन वन थ्री फोर सो आपको इसका यूनियन करना यूनियन मतलब दोनों सेट को मिलाना है ठीक है ये यूनियन सिंबल है अगर हम यू टाइप इसको लिख देते हैं तो इसको यूनियन कहते हैं So first of all, we will write set A. Set A पूरा का पूरा लिखेंगे, one two लिखेंगे. अब हमें B के वो element लिखने हैं जो set A में नहीं है. Three four basically. So, three four. Okay. और set के अंदर कभी भी element repeat नहीं होते. Distinct होना चाहिए. हाँ, distinct होता है हमेशा. ठीक है? Okay. क्या है ऑल्सो कोल्ड हाफ क्लोज प्रेफरेंस हाफ फुल और हाफ एम्प्टी ओके इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर ओके ओके नाउ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है जो दोनों में कॉमन टर्म्स होती हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ओके जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था वन टू और बी हमने पढ़ा है वन थ्री फोर सो व्हाट इज इंटरसेक्शन व्हाट एवर इज कॉमन इन बोथ सेट्स दैट इज इट्स इंटरसेक्शन सो वन इज कॉमन हियर इन सेट ए एंड सेट बी सो इट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ओके ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने ए सेट इतना है बी सेट इतना है सी सेट इतना है तो आपको करना है इंटरसेक्शन बी टू थ्री कैसे आया सॉरी क्या चलो अभी ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये टू थ्री कैसे आया क्योंकि टू और थ्री सिर्फ प्राइम नंबर है चारों में टू और थ्री प्राइम नंबर है ठीक है बी इंटरसेक्शन डी टू है हाँ क्योंकि वो इवन पॉजिटिव नंबर चाहिए और बी और सारे बी प्राइम इज मोस्टली ओनली टू इज देयर दैट्स ओके इवन पॉजिटिव ए यूनियन सी ए और सी का सारे मिक्स ओके ए इंटरसेक्शन सी नन सो फार ओके गुड Now we'll study about functions. Class हमारी थोड़ी आज लंबी चलेगी है ना no problem. ठीक है क्योंकि बीच में जो हमारा टाइम खराब हुआ उसको थोड़ा यूटिलाइज करेंगे देखो फंक्शन मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था क्या होता है फंक्शन समझाने की जरूरत है क्या नहीं नहीं ठीक है इस तरह का आप एक्सप्रेशन देखेंगे y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन ठीक है एक डोमेन होती है और एक ये कोडोमेन होती है ठीक है इसको कहते हैं डोमेन इसको कहते हैं हम कोडोमेन ओके यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं बट फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो खाली नहीं होने चाहिए हाँ। किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए है ना यहाँ खाली हाँ। हो सकते हैं कोडोमेन के अंदर खाली हो सकते हैं बट डोमेन के अंदर खाली नहीं होने चाहिए ठीक है उसको हम फंक्शन और एक स्पेशल रिलेशन से वो डिफाइन होता है कि भाई ए सेट बी से किस तरह से डिफाइन है वो यहाँ पे दे रखा है वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन ठीक है जैसे ये देखो एक एग्जांपल दिया उसने फिगर 0.41 तो मंडे कनेक्टेड है एस से मंडे कनेक्टेड है एम से संडे कनेक्टेड है एस से है ना तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो लेफ्ट साइड में जितने भी आपको दिख रहा है एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू समवन थ्रू सेट है ना
सेट बी में आपको बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो खाली दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी डोमेन क्या है, तो डोमेन हो गई है ये, ठीक है, ये हो गई है आपकी को डोमेन, ठीक है, एंड दीज आर सेट टू बी एफ इमेजेस, इनको एफ इमेज कहते हैं, ठीक है, एफ इमेज। सो एफ इमेज ऑफ संडे इज एस, एफ इमेज ऑफ मंडे इज एम, ठीक है, और जितना भी एफ इमेज का जो सेट बनता है सो उसको कहते हैं रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट बनेगा संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना, तो ये एक सेट बन गया, इस सेट को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था डेमो क्लास के अंदर ही, ओके। अभी तक कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है? नहीं कुछ नहीं। ओके, क्लास के बाद आपको क्या करना है, इन सब चीजों को 15 मिनट बैठ के रिकलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए इज ए डोमेन एंड बी इज द सेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, ओके ओके। इमेज सिंपल आपके बुक में जो है उसको एफ इमेज नहीं कहा है, उसको सिर्फ इमेज कहा है, ठीक है। ये अलग अलग डोमेन एंड रेंज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। एग्जांपल एक ले लेते हैं, ओके, देखो ये एक एग्जांपल है आपका, इसको एक बार देख लेते हैं। G इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, ठीक है, यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट है और यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट है, ओके, और रिलेशन क्या है, GX इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यू होती है X की वैल्यू, ये वैल्यू होती है Y की वैल्यू, है ना, तो यहाँ पे तो ये फंक्शन कनेक्टेड है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या देखोगे, रियल नंबर में अगर हम बात करें, रियल नंबर का सेट क्या होता है, रियल नंबर का सेट तो पूरा का पूरा ही है ना, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी जीरो, ये रियल नंबर तो सारे ही नंबर होते हैं, है ना, बट आप एक चीज इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है ना, तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई रेंज पूछता है सो रेंज में आएगा रियल नंबर्स पॉजिटिव आर पॉजिटिव, ठीक है। डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, अब देखो सेट की एक और ये सॉरी इसकी फंक्शन की एक और बात होती है, द डोमेन एंड कोडोमेन आर बोथ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर के सेट हैं, बट रेंज देखो, रेंज क्या बताई है इसने, जीरो से लेके इन्फिनिटी, मतलब ये वाली होगी रेंज, जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वही खाली रेंज होंगे, ठीक है, तो बस यही चीज आपको समझानी थी इसमें। तो ये क्वेश्चन आएंगे कि आपका रेंज क्या होगा, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखो, v एक फंक्शन है फ्रॉम माइनस वन टू वन वन टू r, ठीक है, इसके अंदर खाली दो एलिमेंट है वन और वन, यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे कर रखा है इसको, vt इज इक्वल टू, अगर वो t की वैल्यू अगर माइनस वन से लेके जीरो के बीच में है तो वो वैल्यू जीरो है, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये क्योंकि ये क्या है, ये सेट वो है इंटरवल है ना, तो यहाँ पे माइनस वन हुआ और यहाँ पे वन हुआ, तो इसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं और ये क्लोज इंटरवल है, तो माइनस वन से और जीरो के बीच में अगर रहता है तो यहाँ पे जीरो
से कनेक्ट हैं सारे के सारे, और अगर जीरो से वन के बीच में रहता है तो 120 है इसका वैल्यू, ठीक है। यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट 120 से कनेक्टेड। ओके, अब इसका डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ क्या होगा। मतलब होल्ड ऑन, मुझे डोमेन समझ आ गया बट रेंज नहीं समझ आ रहा थोड़ा। उसको रेंज करते हैं, जो भी को डोमेन में कनेक्टेड एलिमेंट है वही रेंज होते हैं बस। अच्छा, सो 0 एंड 120 वैल्यूज का रेंज ना, तो उसका जो रेंज होगा वो होगा 0 एंड 120। क्लियर है बात। हाँ, को डोमेन क्या होगा, 0 एंड 120। को डोमेन भी यही होगा 0 एंड 120। हाँ. नहीं नहीं सॉरी, कोडोमेन इज आर, इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अच्छा, ये सेट आर है, रियल नंबर का सेट, ठीक है। क्लियर। हाँ ओके।